ऐसा देश है जहाँ पर बहुत ही विशालता से लोग बाज़ार में जाते हैं अपनी चीज़ें खरीदने और उसके लिए रुपए पैसों का आदान प्रदान होता है। मगर हम सब लोगों ने ये अनुभव किया है कि हमारे जो रुपए पैसे रखने का जो एक तरीका है, ढंग है, वो उतना अच्छा नहीं है जितना होना चाहिए, क्योंकि हमारे देश की जो करेंसी है उसका भी एक सम्मान होता है और उसको उपयोग करने के लिए एक शिष्टाचार भी होना चाहिए। हम उन करेंसी नोट को कभी मोड़ कर, कभी ऐसे घुमा कर, बंद करके उसको जेब में रख लेते हैं, वो जो है हमारा सम्मान नहीं है करेंसी का, रुपए का। जो कॉइन है उनको भी हम कभी कभी उनमें इस तरह की चीज़ें कर देते हैं कि वो देखने में लगता है कि जैसे हमने उसको रब कर दिया, घिस दिया, या कहीं कहीं पर उस पर स्पॉट कर देते हैं, डैमेज कर देते हैं। जब हम कोई सामान खरीदते हैं और हमारे बीच में जब आदान प्रदान होता है करेंसी का, नोट्स का या कॉइन्स का, तो देखते हैं कि ये बड़े ही एक तरह से विकृत लग रहे हैं, कुछ कटे फटे गंदे से लग रहे हैं। तो क्यों ऐसा? क्योंकि इन्हीं से तो हम अपने देश की आर्थिक उन्नति को बढ़ा के चल रहे हैं, और अगर हमने इनके प्रति भी अपनी शिष्टाचार और इनको रखने का तौर तरीके को नहीं समझा, तो फिर हम कैसे अपने देश को प्यार करते हैं, कैसे हम अपने देश को विकास की तरफ ले जाने की बात सोचते हैं। एक छोटा सा काम, केवल नोट या कॉइन्स को रखना भी अगर हमने नहीं सीखा या उस पर ध्यान नहीं दिया या उनको सुरक्षित रखने के बारे में नहीं सोचा, तो हम कैसे देश के बारे में सोच सकते हैं। कई बार सरकार ने, RBI ने, कई लोगों ने बीच बीच में जागरूकता चलाई और चला रहे हैं कि हमें नोट्स पर कुछ लिखना नहीं चाहिए, साफ सुथरे नोट्स रखने चाहिए, कॉइन को अच्छे से रखना चाहिए, हर तरह के कॉइन्स को लेने में आगे आना चाहिए, क्योंकि सरकार की करेंसी है, उसमें हमें कोई भी आनाकानी नहीं करनी चाहिए कि ये चल रहा है, ये नहीं चल रहा है, ये बंद हो गया, ये नहीं चल रहा है, बहस करके उस पर जो है हमें अशिष्टाचार नहीं दिखाना चाहिए। क्योंकि अगर हमने सरकार की करेंसी को, सरकार की करेंसी को लेने में मना किया, तो ये भी एक तरह का अपराध है। और हम सब लोगों को चाहिए कि अपने देश को प्रेम करते हुए उस देश, अपने देश की करेंसी को भी प्रेम करें, और उसके जो नोट्स हैं, उसके कॉइन्स हैं, उनको शिष्टाचार और अच्छे तरीके से रखें, जिससे कि हमारे आर्थिक आदान प्रदान में उनकी जो है एक प्रेजेंटेशन या उनको भेंट करने का, लेन देन का तरीका अच्छे से हो, और हमें लगे कि ये हमारे देश की करेंसी है जो सम्मानजनक स्थिति में है। आइए हम सब लोग इस पर जागरूक होकर सोचें, कार्य करें और अपने देश की करेंसी के प्रति सम्मान तरीके से उसका उपयोग करके अपने जीवन और देश को विकास के प्रति आगे बढ़ाने में लगें। जय हिंद, जय मां भारती। नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक करें और आइकॉन को जरूर दबाएं ताकि आने वाले वीडियो को आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। धन्यवाद।